दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर 12,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। इस बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के बराबर है और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 100 किलोमीटर दूर से भी इस बिल्डिंग की चोटी को देखा जा सकता है। और क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग पर जो एड लगाई जाती है वो काफी महंगी होती है। उस पर सिर्फ 3 मिनट की एड लगाने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये तो थी बुर्ज खलीफा की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन अब आप और भी चौंक जाओगे जब आप जानोगे कि आखिर बुर्ज खलीफा को इंजीनियर्स ने कैसे बनाया, कैसे इस मोटे 350 टन के पाइप को ऊपर तक पहुंचाया गया, कैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर से 100 डिग्री के टेम्परेचर को कैसे कम किया गया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अल फरहान और आप देख रहे हैं हमारे चैनल फैक्ट अल्फा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। $2,716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इमारत पर $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, यानी कि करीब 11,000 करोड़ रुपए। और क्या दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय दिया गया था और इतने कम समय में डिजाइन से कंस्ट्रक्शन तक काम मुमकिन नहीं था और इसीलिए बिल्डिंग को बिना डिजाइन के ही शुरू कर दिया गया था। और जैसे जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती गई वैसे ही इसका डिजाइन भी साथ ही साथ तैयार होता गया। ये बात शायद आपको नहीं पता कि बुर्ज खलीफा दुबई की रेत में खड़ा करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए इसको बनाने के लिए पहले मोटे 192 स्टील के पाइप्स को जमीन में धसाया गया और फिर जाकर बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं स्टील के पाइप्स पर टिका हुआ है। क्या आपको पता है कि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि जब सीमेंट को नीचे से बनाकर ऊपर भेजते थे तो सीमेंट ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था और इसीलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा में मोटे मोटे पाइप्स इंस्टॉल कर दिए। इन पाइप्स का काम इन सीमेंट को ऊपर तक पहुंचाना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। बुर्ज खलीफा में लगने वाले सीमेंट का वजन अगर देखा जाए तो वो करीब 1 लाख हाथियों के वजन जितना था। इतना भारी सीमेंट ऊपर पहुंचाने के लिए उन्हें दुनिया के 3 सबसे पावरफुल पंप इंस्टॉल करवाए और इन मशीनों की कीमत भी करोड़ों में थी। इसके अलावा जब बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तब इस पर बारी आई ग्लास पैनल्स लगाने की, और 24,000 ग्लास पैनल्स लगाने थे। और जब बुर्ज खलीफा पर ग्लास पैनल्स लगाए गए तो बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर करीब 100 डिग्री तक पहुंच गया, जहां पर कोई भी इंसान 10 सेकंड से ऊपर नहीं रह सकता था, यानी कि नहीं खड़ा हो सकता था। और इसको ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली लगती थी और इसीलिए इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मशहूर इंजीनियर जॉन ज़ेराफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सलूशन मौजूद है। और उन्होंने एक खास तरह का ग्लास पैनल बनवाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन ये ग्लास पैनल्स बहुत ही महंगे थे और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स को खरीदने में 3 अरब यानी कि 60 करोड़ रुपए का रकम का खर्चा आ रहा था, जो कि बहुत ही महंगा काम था। इसलिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लासेस पैनल्स बने गए थे और सिर्फ 4 महीनों में ही सारे ग्लास पैनल्स बन के तैयार हो गए। अब सारे कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो ऊपर स्टील के पाइप को लगाया गया है उसे ऊपर कैसे रखा गया। वैसे आपको बता दूं कि वो पाइप नीचे से दिखने में तो छोटा है, लेकिन उसकी लंबाई 136 मीटर है और वो 350 टन का है। दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन नहीं थी जो इतने भारी पाइप को बादलों के ऊपर जाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख दे। और इसलिए इंजीनियर्स ने ये सलाह दी कि वो पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर लेकर जाए और इसी तरह उन पाइप के टुकड़ों को अंदर ले जाकर असेंबल किया गया। अब पूरा बुर्ज खलीफा कंप्लीट हो गया था, लेकिन सालों की कंस्ट्रक्शंस की वजह से वो पूरा मिट्टी से भरा पड़ा था। और अभी सबसे बड़ा काम ये था कि इसको बाहर से पॉलिश करना था। इंजीनियर्स को इसका कोई भी सलूशन नहीं समझ आ रहा था और इसीलिए उन्होंने वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडोज पैनल्स को साफ करवाया गया। दरअसल ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक भी वर्कर्स ही करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी बुर्ज खलीफा में जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और एक लाइक भी कर दे।